हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं मेडी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंडी फोर्स 200 mg कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इसका कैसे यूज़ करना है, कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है, किस कंपनी का बनाया हुआ है, क्या इसके अंदर कंटेंट डाला गया है और किस किस प्रॉब्लम में इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, क्या इसके डोजेज हैं और कितने का ये कैप्सूल आता है। दोस्तों, मैं इस कैप्सूल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अभी आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल मेडी प्लस पे पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं कैंडी फोर्स 200 mg कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, कैंडी फोर्स 200 mg ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का बनाया हुआ है, यानी कि बहुत अच्छी और बहुत ही फेमस कंपनी का ये कैप्सूल बनाया हुआ है। दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आप ये देख सकते हो 153 के आपको 7 कैप्सूल मिल जाते हैं। दोस्तों, इसकी पैकिंग कुछ इस तरह से दी गई है, बहुत ही शानदार पैकिंग में ये कैप्सूल आता है। लेते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या डाला गया। दोस्तों, इसके अंदर सिंगल कंटेंट डाला गया इट्राकोनाजोल। तो ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कैप्सूल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, हम जान लेते हैं विस्तार से किस किस प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, आपकी स्किन में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए, एंटी फंगल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि दाद, खाज, खुजली या फिर आपकी स्किन में कहीं भी लाल रंग के दाग हो रहे हैं, जिसे हम रिंग बॉर्म के नाम से जानते हैं, दोस्तों उनको खत्म करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। या फिर अगर आपको नाखून की एलर्जी, जिसमें कि नाखून गलने लगता है या नाखून टूटने लगता है, उसका अगर उस तरह की आपको एलर्जी है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, अगर उसमें खुजली हो रही है, तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, हमारी उंगलियों के बीच या फिर गर्दन या फिर जांघों के बीच या फिर हम जो घुटनों को फोल्ड करते हैं उस जगह पर भी हमारे एलर्जी हो जाती है, किसी किसी के दाग हो जाता है, पसीने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। या दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर दाग की प्रॉब्लम दोनों जांघों के बीच में, यानी कि दोनों रानों के बीच में ज़्यादातर होती है। दोस्तों, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये कैप्सूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये कैप्सूल है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हर कैप्सूल या हर टैबलेट या हर सिरप का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, वहीं इसके भी आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बीपी का लो होना या लूज मोशन होना, ज़्यादा एसिडिटी होना, सर में दर्द होना। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कहना चाहूँगा आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। और दोस्तों, अगर हम इसके डोजेस के बारे में बात करें तो ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितनी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही डॉक्टर आपको ये रेकमेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी डोज वैसे तो नॉर्मली एक कैप्सूल रोज़ खाना खाने के बाद लिया जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डॉक्टर उसके हिसाब से आपको 2 टाइम भी ये कैप्सूल दे सकते हैं। तो कैप्सूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आपको इसका रिजल्ट सिर्फ एक स्टेप खाने के बाद, यानी कि 7 दिन खाने के बाद ही पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट का आप रेगुलर यूज़ करें जब तक डॉक्टर कहें, तभी आप अपने फंगल इन्फेक्शन, एलर्जी, दाद, खाज, खुजली को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, या फिर अगर आपको इस कैप्सूल से रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इस कैप्सूल के एक बात और मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग यूज़ ना करें, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएँ या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या फिर जिनको लीवर की प्रॉब्लम है। तो अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल लेने से पहले या लेने के बाद भी आप इस कैप्सूल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये लोग इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर ये लोग इस कैप्सूल का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या दोस्तों, अगर आपको इस कैप्सूल से रिलेटेड और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।